रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बाराडी के ग्राम छरखी में हूं और इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ यहां पर हैं। आइए इनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबुल अंसारी। अबुल अंसारी साहब जी, आप पंचायत समिति सदस्य हैं बाराडी पंचायत। मुखिया जी का काम पंचायत स्तर पर किस तरह से हो रहा है, आपका काम पंचायत स्तर पर किस तरह से हो रहा है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको आम जनता तक आप लोग किस तरह से पहुंचा पा रहे हैं? जहाँ तक पंचायत स्तर की काम हो, हमने कोशिश किया कि मुखिया जी से जितना लाभ हो आम जनता तक पहुँचाएँ और हमने पहुँचाने का काम किए हैं। जितना आज से कई वर्षों पहले नहीं हुआ होगा वो हमने अपने इलाके में 5 वर्षों में, जैसे इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और यह शौचालय जो आप देख रहे हैं जिसके प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, ये हमने जिला से कोशिश करने के बाद हमारे पंचायत और हमारे इस ग्राम झरखी में मुस्लिम समुदाय की अधिक संख्या होने के नाते मदरसा प्रांगण में शौचालय निर्माण करवाए हैं, जिसे जनता को काफ़ी खुशी है और आने वाले दिन में मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि और जनता के हित में कार्य करें। आप सुन रहे थे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बाराडी को और इनके अनुसार पंचायत स्तर पर मुखिया और दूसरे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जिनमें से ये भी एक स्वयं है, इनके सहयोग से आम जनता के उत्थान, कल्याण और भलाई के लिए पंचायत स्तर पर बहुत ही सराहनीय कार्य हुए हैं, जिसका एक उदाहरण हम सभी के सामने ये जो सामुदायिक शौचालय यहाँ भवन का निर्माण बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और सुंदर आकर्षक जो निर्माण हुआ है, जैसा कि मैं प्रतिनिधि महोदय बता रहे थे। इस तरह का काम जो है पंचायत बाराडी में अलग अलग गाँव और वार्ड में पंचायत के विकास के लिए, पंचायत की जनता के विकास के लिए हर जगह हुए हैं। मैं इस समय ग्राम पंचायत बाराडी के झरखी गांव में इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि महोदय और इस पंचायत के कुछ ग्रामीणों के साथ, आइए इनसे बात करें। श्रीमान, क्या नाम है आपका? गुलाम हैदर अली। आप ये बताएं कि आपके पंचायत में मुखिया जी और जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उनका काम किस तरह से हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। आप खुश हैं? आपको किसी योजना का लाभ मिल पाया है? बिल्कुल मिला है। क्या मिला है? पानी का टंकी आपको मिला है? पानी का टंकी आपको निजी मिला है? निजी नहीं मिला, मतलब मेरे आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके घर के करीब मिला है, जिससे आपको फायदा पहुंच रहा है। और कोई दूसरा लाभ जो आपको मिला? हाँ जी, प्रधानमंत्री आवास मिला। प्रधानमंत्री आवास जो मिला है आपको, उसके बदले आपको कितना पैसा बतौर रिश्वत देना पड़ा? बिल्कुल नहीं। हमारे साथ इस समय इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबुल अंसारी। अबुल साहब, आप ये बताइए कि आप पंचायत समिति सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, इस पंचायत में आम जनता की जो लड़ाई झगड़े हैं, जो उनके बीच के समस्याएं हैं, उनका निदान, उनका समाधान आप लोग किस तरह से करते हैं? पक्षपात पूर्ण रवैया है या फिर निष्पक्ष रूप से काम करते हैं? जैसे कि जिस गांव समाज के जो घरेलू झगड़ा, वो जमीन विवाद, अंतरंग का जो विवादें उत्पन्न होती है, उसको हम लोगों ने गांव समाज में एक बैठक के जरिए निष्पक्ष रूप से दोनों की राय शुमारी से, दोनों की इजहार लड़ाई की मुख्य जड़ों को ख़त्म करते हुए दोनों का आपस में मिला दिया जाता है और दोनों को बांट दिया जाता है। ना ही कोई इसके बदले में कोई जनता रिश्वत मांग करते हैं, ना ही देते हैं। सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत बाराडी प्रखंड बिरनी गिरिडीह जिला,
पंचायत स्तर पर आम जनता की समस्याएं, लड़ाई झगड़ा और उन पर होने वाले मतभेद को सुलझाने की जो इनकी कार्यशैली है और कार्यप्रणाली है, उन सभी से अवगत करवा रहे थे। और निश्चित रूप से बहुत ही निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के आधार पर, कर्मठता और ईमानदारी पूर्वक तरीके से इनके सौजन्य से इस पंचायत में जो आम जनता की समस्याएं, लड़ाई झगड़े और दूसरी डिस्प्यूट्स हैं, उन सभी का निदान, सॉल्यूशन, समाधान इन सभी के सौजन्य से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।